बिग uh, बॉस ने आपको बुलाया था और आपने बिग बॉस पे केस कर दिया तो ऑलवेज देयर इज बीन अ टेंशन बिटवीन द एक्टर्स एंड द मीडिया हेलो वन माय नेम इज दिग्विजय वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हजारों लाखों कमेंट्स आए आपके एंड आज वो फाइनली दिन आ गया है आप जिनका हमें डिमांड कर रहे थे कि हमको इनको सुनना है सुनना है सुनना है मैं स्वागत करना चाहूंगा द फैजल खान सर को सर स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम थैंक यू थैंक यू दिग्विजय एनी टाइम फॉर यू यार थैंक यू सो मच सर सर कुछ दिनों से काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स देख रहा हूँ खबरें देख रहा हूँ आपकी तो सोचा कि आपके पास ही आके पूछ लूँ कि क्या ये सच है क्या और क्या ये झूठ है बिग बॉस ने आपको बुलाया था और आपने बिग बॉस पे केस कर दिया क्यों सर पे क्यों केस किया <laughs> अरे बिग बॉस सुनो दिग्विजय ये सब जो केस की बातें झूठी हैं और काफ़ी जो बातें चल रही हैं जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं हाल ही में कुछ ऐसे ऐसी बातें आ रही हैं कि सलमान मुझे बिग बॉस में हेल्प करेगा मेरे को एड करेगा और उस उसके यहाँ से फ़ोन आया था मेरे लिए बिग बॉस में तो औ, और कुछ बातें कि मैं सुशांत का मर्डरर को जानता हूँ और आमिर अपॉर्चुनिस्ट है ये सब अलग अलग ऐसी न्यूज़ फैलाई जा रही है जो मैंने कहा ही नहीं है okay. ओके okay. तो क्या ये तो प्रेस वालों का पुराना है कि वो लोग कुछ ना कुछ अपने दिल की अपना भी कुछ आइडियाज़ अपने थॉट्स डाल देते हैं इंटरव्यू में अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि मेरी फ़ोटो लेते हैं इंस्टाग्राम से या वहाँ से जहाँ से गैलरी से और उसके ऊपर वो लोग खुद कमेंट करते हैं तो वो अपने विचार अपने व्यू पॉइंट भी उसमें इंटरव्यू में डाल देते हैं जो मैंने नहीं कहा है करेक्ट तो वो गलत हो जाता है मैंने मैंने खुद भी इस बात का आ, मतलब विरोध करूंगा कि यार रिक्वेस्ट भी करूंगा जो मीडिया है जो सोशल मीडिया है जो प्रिंट मीडिया है कि भाई आप लोग जो इंटरव्यू लेते हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो जो जिसका ले रहे हो उसकी भी इज्जत करो उसके व्यू पॉइंट्स डालो ना आप लोग अपना अपना व्यू पॉइंट्स डालोगे हर बात में तो वो तो आपका व्यू पॉइंट हो गया मेरा व्यू पॉइंट कहाँ जा रहा है और सब मतलब बड़ा चढ़ा के गलत सलत बातें तो उसको तो मैंने भी मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में भी कुछ डाला है और आप हेलो फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं मैं कि कुछ YouTube मैंने कुछ हाल ही में इंटरव्यूज दिए थे कुछ दिन पहले तो वो इंटरव्यूज को बड़ा चढ़ा कर तोड़ मड़ोड़ गरम मसाला मिलाकर बातें पेश की जा रही हैं मेरे ऑडियंस को मेरे फैंस को मेरे फ्रेंड्स को तो मुझे वो बात सही नहीं लग रही है Yes, अच्छा हुआ आपने ये आपने और अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा क्योंकि ये सब सही नहीं है और लोगों को भी रिपोर्ट सही करना चाहिए ताकि रिपोर्टर्स का भी कुछ एक एक वैल्यू हो वरना आप लोग भी कुछ भी लिखोगे आप मतलब आप जो मीडिया वाले हैं yes, कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी अपना बड़ा चढ़ा के गर्म मसाला लगा के बोल देंगे तो ठीक है आपको व्यूज़ चाहिए आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए लेकिन हमारी बात भी तो पहुंचाओ ना जो जो बोल रहा है इसलिए इसलिए आई लाइक टू गिव इंटरव्यू विथ यू दिग्विजय ताकि मैं सामने बैठ के बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ तो ये मेरा ख्याल जा रहा है अभी कितने इंटरव्यू देता हूँ वो लोग क्या क्या जोड़ देते हैं तो वो सही नहीं है तो अच्छा ये आपने सवाल पूछा और ये सही नहीं है मैं तो रिस्पेक्ट बोलूँगा कि एक हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा मीडिया से मीडिया वालों से कि अच्छी न्यूज़ डालो कोई रिसर्च करो कितने चैनल्स हैं ऐसे अभी क्या नाम लूँ कितने लोग मेरा नाम ले कर क्या क्या लिख रहे हैं yes, yes. और पूरा वायरल हो रहा है और क्या क्या हो रहा है मैंने बोला यार ना मैं सुशांत के मर्डर को जानता हूँ ना सलमान से मेरी कोई बातचीत हुई ना मैंने बिग बॉस पे केस डाला है कितनी बातें हैं ऐसे तो ये सब आ, आ, सही नहीं है सही नहीं लगता एक रिस्पेक्ट करो प्रोफेशन को आप मीडिया हो प्रेस हो और हम एक्टर्स हैं हम भी इंटरव्यू देते हैं आपको भी चाहिए इंटरव्यूज़ तो रिस्पेक्ट करो और जो है सच वो लिखो जो हम लोग बोल रहे हैं वो लिखो ना वो पहुंचाओ ऑडियंस तक तो तो मजा है तो सही बात होती है yes. इसलिए आई लाइक टू गिव इंटरव्यूज आइदर लाइव और ऑन ऑन टॉकिंग ऑन कैमरा करेक्ट क्योंकि जो आपके दिल की बात है, और जो तो मेरी सच बात है, वो दिखता है। मेरी बात जाए भाई yes. ना कि किसी के व्यू पॉइंट और किसी के क्या क्या yes. Yeah, तो जैसे आपने कहा कि काफी सारे रूमर्स फैल जाते रूमर्स हैं मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं रूमर्स फैल जाते हैं बेकार में तो सही बात नहीं है का, आपने गर्म मसाला डाल दिया कुछ बोल दिया कुछ किसी के बारे में लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं तो है, वो प्रेस वाले वैल्यू नहीं करते ये पहले से ही चलते आ रहा है मतलब जो पुराने हमारे डैडी के टाइम से जो पिक्चर बनती हैं जो कुछ जर्नलिस्ट थे वो तो अभी गुजर भी गए देवी करके एक जर्नलिस्ट थी वो भी Uh, क्या क्या अपनी मन गहत कहानियाँ लिखती थी और ऐसे काफ़ी जर्नलिस्ट थे तो ऑलवेज दर्य बीन अ टेंशन बिटवीन द एक्टर्स एंड द मीडिया कि हम लोग क्या बोलेंगे तुम क्या छाप दोगे भाई hmm. तो एक डर तो रहता था पहले से अब वो मैं भी फेस कर रहा हूँ तो खैर ये सब नहीं करना चाहिए और जो एक्टर बोले उसी को उसी का पॉइंट ऑफ व्यू लिखो ना ताकि ऑडियंस तक भी ऑडियंस कैसे समझेगी कि ये हमारा व्यू पॉइंट है okay. आप अपना व्यू पॉइंट डाल दोगे तो सही नहीं लगता है यस yes. एंड सर आपको दुख होता है थैंक यू करना चाहूंगा आपने ये बात क्लियर की जी जी मैं मैं भी खुद शॉक हो गया था जब मैंने ये सुना कि ये सब क्या चल रहा है है जो दो तीन दिन कंटिन्यू ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड हुआ हो गया मैं मैं भी मैं भी शॉक हो गया कि क्या क्या कुछ कुछ क्या करते हैं ना वो लोग अपनी कमेंट्स डालना रखते हैं मेरी फोटो है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे फोटो पे मेरा कुछ भी क्लिपिंग्स डाल के अपना कमेंट्स मार रहे हैं अलग अलग कमेंट्स तो सही नहीं लगता शुड नॉट क्रॉस दैट लाइन ऑफ एक मॉरल होता है एथिक्स होता है mm -hmm. है ना तो वो उसमें डायरेक्टर काफी बहुत कमेंट्स आए इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए जी 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 पे जी, लोगों ने कमेंट किया कि जी प्लीज आप ये फैजल सर को जाके पूछिए जी जी